दुनिया भर में आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। देश और प्रदेश में भी इस मौके पर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कैथल में दिल के डॉक्टरों सहित सभी तरह के डॉक्टरों ने एक दौड़ का आयोजन किया। ये दौड़ शहर के एक प्राइवेट अस्पताल से शुरू हुई और पूरे शहर का चक्कर लगाया। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, इसलिए हम लोगों को इस दौड़ के माध्यम से जागरूक करना चाहते हैं कि वे दिल की बीमारियों से बचें और अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि आज का जो हमारा खान पीन है उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और युवा भी दिल की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए हमें सप्ताह में कम से कम 5 दिन हर रोज 30 मिनट योगाभ्यास और एक्सरसाइज करनी होगी, साथ ही अपने खान पान में भी सुधार लाना होगा। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें कि हमने आज जो आयोजित किया वो है वॉक फॉर हार्ट। और जैसे कि हम सबको पता है जो हमारी चेन है इसके अंदर हमारा स्पेशल फोकस कार्डियोलॉजी के ऊपर है और जितनी ब्रांचेज हैं उसमें कार्डियोलॉजिस्ट ही अवेलेबल रहते हैं। और इसमें जो आज के इवेंट है वो वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 2 to 5 किलोमीटर्स की एक वॉक अरेंज की है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि हमारी हार्ट की हेल्थ कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। आज का जो दिन है वो वर्ल्ड हार्ट डे के नाम से मनाया जा रहा है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक तय दिन है। इस दिन वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का मेन जो पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि लोगों के बीच में हम एक जागरूकता फैलाएं, दिल का जो स्वास्थ्य है, दिल का ख्याल कैसे रखें। इस दिन का जो मेन इम्पॉर्टेंस है कि हम सोसाइटी के बीच में जाकर, खासकर हम जैसे लोग जो कार्डियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ये संदेश दे लोगों को कि फिज़िकल एक्टिविटी खासकर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। फिज़िकल एक्टिविटी से जो मतलब है वो ये है कि आप एटलीस्ट अपने लिए कुछ समय निकाल पाएँ, खासकर आधे घंटे का समय निकाल पाएँ ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। आपको बता दें कि हमारे देश में हर साल हार्ट की बीमारियों से लगभग 28% लोगों की मौत होती है और सबसे बड़ी चिंता का सबब ये है कि धीरे धीरे हार्ट अटैक युवाओं को भी अपना शिकार बनाने लगा है। ऐसे में जरूरत है कि हम अपने रहन सहन और खान पीन को सही करें ताकि हार्ट की बीमारियों से बचा जा सके। पंजाब के सिटी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।